केलवत थाना अंतर्गत पड़ने वाले गांव नांदा के करीब बहने वाले बामन बारा नाले में जीप बहने से जीप में सवार करीब 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें घटना के पहले दिन 3 शव और दूसरे दिन 2 शव ढूंढ निकालने में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन घटना से अभी एक शव ढूंढने का कार्य अभी भी राज्य आपदा प्रबंधन टीम युद्ध स्तर पर कर रही थी। नागपुर जिला ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, केलवत पुलिस और आला अफसर घटना स्थल पर नजर बनाए हुए थे और स्कॉर्पियो के चालक मृतक लीलाधर डिवरे 38 के शव को ढूंढ कर निकालने की कोशिश जारी थी। केलवत पुलिस स्टेशन के थानेदार अमित अतराम सहित राज्य आपदा प्रबंधन की टीम और नांदा उमरी सालाई ग्रामवासियों ने कल भी पूरा दिन नाले और आसपास नाव और गोताखोरों की मदद से राहत कार्य जारी रखा, पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन 15 जुलाई की सुबह से फिर शव को तलाशने का कार्य जारी किया, पर कल रात भर हुई बारिश के कारण राहत कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन दोपहर करीब 3 बजे के करीब स्कॉर्पियो चालक लीलाधर डिबरे का शव पानी में तैरता दिखाई देते ही केलवत थानेदार अमित अतराम, हित ज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोड़, पुलिसकर्मी और गांव वासियों के सहयोग से शव को निकालकर शव विच्छेदन हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र सावनेर रवाना किया गया। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।